अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलिस्ता एडवोकेट आपका आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कोर्ट के अंदर जो कानून की मूर्ति रखी होती है, जिसकी आंखों पर काले कलर की पट्टी बंधी होती है और उसके एक हाथ में तराजू भी लटका होता है, तो उस मूर्ति का क्या मतलब होता है? ऐसे ही कुछ सवाल आज इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने वाले हैं। देखिए, कोर्ट के अंदर जो कानून की मूर्ति रखी होती है, जिसकी आंखों पर काली पट्टी भी बंधी होती है और उसके हाथ में तराजू भी लटका होता है, जिसका मतलब होता है पक्षकारों का सबूत, गवाह और दलील। जिसके पक्ष में ये सारी चीज़ें होती हैं वही केस को जीतता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा केस किया है तो ये सोचने में टाइम ख़राब ना करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सच्चाई पर हूँ। उसकी जगह इस पर काम करें कि मुझे सच्चाई को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। मुझे दोगुनी मेहनत करके इस झूठे दावे को झूठा ही साबित करना है और जिसने ये मुकदमा झूठा किया है उस झूठे को दंड भी दिलाना है। देखिए, ऐसे मामले में आपको अपने मन को मजबूत करना होता है, क्योंकि युद्ध खुद ही लड़ना होता है, कोई भी तीसरा आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना मनोबल बढ़ाए रखें और अपनी सच्चाई पर ही रहें। तो अब हम बात करते हैं कि कानून की देवी के आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है। दरअसल इसका मतलब होता है कि कानून अंधा होता है और इसका ये मतलब है कि कानून किसी भी ऊंच नीच या किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं देखता है जो किसी में भेदभाव करे। कानून में न्याय का मतलब सभी के लिए बराबर होता है, सबके साथ वो न्याय करेगा, इसीलिए कानून की देवी को अंधा कहा गया है। और अब हम बात करते हैं कि कानून की देवी के हाथ में जो तराजू होती है उसका भी सीधा सीधा सा यही मतलब है कि दोनों पक्षकारों की बात को अच्छे से सुनकर और उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट के अंदर जो भी शख्स आएगा उसको मुकम्मल तौर पर इंसाफ दिया जाएगा। यही कोर्ट में रखी कानून की मूर्ति के हाथ में जो तराजू होता है उसका मतलब होता है। तो आप कभी भी जब किसी न्याय के लिए न्याय के मंदिर यानी के कोर्ट में जाएं तो इस बात का पूरा यकीन रखें कि आपको इंसाफ ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसी तरह की कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।